press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. राजस्थान के अजमेर में हाल ही एक गैस सिलेंडर से दूसरे में रिफिलिंग करने के दौरान भीषण हादसे में कई जानें चली गई थी। इसके बावजूद अलवर सहित कई जिलों में यह अवैध कारोबार जारी है, जिससे कभी भी बड़ा हादसा हो सकता है। अलवर में रसद विभाग द्वारा आज की गई कार्यवाही बताती है कि किस तरह खतरनाक ढंग से गैस की रिफिलिंग की जा रही है। यही बख्तल की चौकी पर कार्यवाही के दौरान सामने आया कि कई दुकानों पर रसोई गैस के सिलेंडर से छोटे सिलेंडरों में 3 से 5 किलो तक गैस भरकर बेची जाती है। यहां से अलग अलग कंपनियों के करीब 20 सिलेंडर जब्त किए गए। गौरतलब है कि इस तरह की रिफिलिंग अलवर जिले में कई जगहों पर की जाती है। छात्र वर्ग इन छोटे सिलेंडरों का मुख्य रूप से खरीदार होता है। अजमेर में हाल ही उस वक्त बड़ा हादसा हुआ था, जब एक सिलेंडर से अन्य सिलेंडर में असुरक्षित ढंग से गैस भरी जा रही थी। गौरतलब है कि घरेलू सिलेंडरों का व्यावसायिक उद्देश्य से जमकर उपयोग किया जाता है, लेकिन यह लालच लोगों की जिंदगी से खिलवाड़ कर रहा है। देखना है कि अब जाकर हरकत में आया रसद विभाग इन कार्यवाहियों को कितना नियमित रूप दे पाता है।